Hello everyone, welcome to Digimento Education Private Limited. In this video series of DSSP Computer Science, we are going to discuss last 50 questions of computer architecture and organization. So till now we have already uploaded 150 questions of computer architecture and organization. You can watch those videos. In this video, we will discuss last 50 questions, and these last 50 questions will be of the next level. Okay, so they will be of hard level. So till now we have discussed only easy level questions of computer architecture and organization. So let's look at the first question. First question is saying, consider a machine with a byte addressable memory of 2 to the power 20 bytes, a block size of 16 bytes, and a direct map cache having 2 to the power 12 cache lines. Okay, let the addresses of 2 consecutive bytes in main memory be this and this. What are the tag and cache line addresses for main memory address this? So you have to find the tag and cache line address. Okay, so we have to find out the tag and cache line address. So it is saying, consider a machine with byte addressable main memory. So we have a size of main memory that is 2 to the power 20 bytes. Okay, this means that physical address is of, we can conclude that physical address will be of 20 bits. तो अगर हमें मेमोरी का साइज दिया हुआ है तो मेमोरी के साइज से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मेमोरी का एड्रेस कितने बिट का होगा. तो हमें पता है कि 20 बिट्स का एड्रेस है और उसमें दिया है कि ब्लॉक साइज आपका 16 बाइट्स का है और डायरेक्ट मैप कैश है. ओके, ब्लॉक साइज कितना है आपका 16 बाइट्स, उसके बाद में डायरेक्ट मैप कैश है हैविंग 2 टू द पावर 20 लाइन, 2 टू द पावर 12 लाइंस, मतलब लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ कैशे लाइंस और कैशे ब्लॉक सेम चीज है. अगर आपको लिखा हुआ है कैशे ब्लॉक्स, यू कैन से नंबर ऑफ कैशे ब्लॉक्स और नंबर ऑफ कैशे लाइंस, दोनों सेम ही चीज है. ओके, तो नंबर ऑफ कैशे लाइंस 2 टू द पावर 12, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इंडेक्स वाला पार्ट होगा वो कितना होगा 12 बिट का. तो हमें पता है कि जो डायरेक्ट मैप कैशे हैं उसमें हम एड्रेस तीन तरह से रिप्रेजेंट, तीन पार्ट में इंटरप्रेट करते हैं, कैसे, टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट. इन तीन फील्ड में हम किसी भी एड्रेस को इंटरप्रेट करते हैं. जब कोई सीपीयू फिजिकल एड्रेस सेंड करेगा तो कैशे लाइन उसको तीन पार्ट में इंटरप्रेट करेगा, यह है टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट. तो आपको पता है कि जो एड्रेस है वो 20 बिट्स का है. ओके, टोटल एड्रेस 20 बिट्स का है. ओके, एड्रेस 20 बिट का है और आपके पास में इंडेक्स एंड ऑफसेट का फील्ड है. ऑफसेट कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ऑफसेट वाला जो फील्ड है वो हम फाइंड आउट करेंगे साइज ऑफ ब्लॉक से, कहाँ से, ब्लॉक साइज से, इसका लॉग लेने के बाद में. ठीक है, लॉग बेस टू ब्लॉक साइज कितना है, 2 टू पावर 4 यानी कि 16, ब्लॉक साइज है 16 बाइट्स, दैट इज 2 टू पावर 4, दैट मींस 4 बिट्स. तो आपका जो ऑफसेट वाला फील्ड होगा, हमेशा याद रखना ये एड्रेसेस हैं, इंडेक्स ऑफसेट टैग, तो ये सब बिट्स में होंगे. एड्रेस हमेशा बिट्स में होगा, साइज हमेशा बाइट्स में होगा. ओके, बाइट्स या किलो बाइट्स या फिर मेगा बाइट्स, जी बी और टी बी लाइक दिस. तो 4 बिट का आपका ऑफसेट हो गया. अब जो आपका इंडेक्स वाला फील्ड है, इंडेक्स वाला फील्ड फाइंड आउट करेंगे हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स है. सिंपली आप देख सकते हो जो पावर है, कुछ भी दिया अगर नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपके, लेट से 4096 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, तो उसको 2 की पावर में लिख सकते हो, 2 टू पावर 12. दिस मीन्स 12 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंडेक्सिंग. ठीक है, तो 12 बिट का आपका इंडेक्स हो गया. तो 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4, रिमेनिंग 4 बिट्स आर फॉर टैग. तो 4 बिट का टैग हो गया क्योंकि 12 बिट का इंडेक्स है, 4 बिट का ऑफसेट है. 12 प्लस 4 16, रिमेनिंग 4 बिट्स, जो 4 बिट बची वो टैग के लिए है. अब ये पूछ रहा है कि आपके पास में दो एड्रेसेस दिए हुए हैं, टू एड्रेसेस ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी बाइट्स इन मेन मेमोरी, एक एड्रेस ये दिया हुआ है और एक एड्रेस ये दिया हुआ है. तो ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द टैग एंड कैश लाइन एड्रेसेस फॉर मेन मेमोरी एड्रेस E201F. तो इसने कहा है कि आपके पास में एक मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है E201F और ये एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल में है. आपको ये बताना है कि टैग क्या होगा एंड कैश लाइन का एड्रेस यानी कि इंडेक्स, कैश लाइन का एड्रेस यानी कि इंडेक्स. आपको बताना है टैग एंड इंडेक्स फील्ड क्या होगा इसमें, टैग एंड इंडेक्स फील्ड. हमें पता है कि जो पहली 4 बिट है वो टैग के लिए है. अब ये हेक्साडेसिमल है, हर एक हेक्साडेसिमल बिट के लिए हम 4 बिट लिखते हैं. ठीक है, हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए 4 बिट बाइनरी लिखते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि ये 20 बिट का एड्रेस है, दिख रहा है हमें 4, अगर ये 5 डिजिट है और हर एक डिजिट को हम 4 बिट बाइनरी में लिखते हैं तो ये 20 बिट का एड्रेस है. यानी कि ई क्या है, ई 4 बिट का है. तो आपका जो पहले हमें पता है कि जो एड्रेस है उसमें पहली 4 बिट जो है वो टैग के लिए है, यानी कि ई क्या हुआ, टैग.
अगली जो 12 बिट्स हैं वो किसके लिए है, इंडेक्स के लिए, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि 12 बिट्स किसके लिए हो गई, इंडेक्स के लिए। और जो लास्ट की 4 बिट्स हैं वो है ऑफसेट के लिए। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ब्लॉक नंबर 201 से मुझे बाइट नंबर एफ एक्सेस करनी है, ये सीपीयू ने एड्रेस सेंड किया है। तो अब इसमें पूछा है कि टैग एंड इंडेक्स क्या है, तो टैग है ई, इंडेक्स है 201, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ फिजिकल एड्रेस ऑन ए मशीन इज 40 बिट्स। ओके, सो एड्रेस दिया हुआ है 40 बिट्स का। द विड्थ ऑफ द टैग फील्ड इन 512 KB 8-way सेट एसोसिएटिव कैशे इज व्हाट। तो हमें दो चीज दी हुई है, पहली चीज है एड्रेस, जो बहुत ही जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस है आपका 40 बिट्स का। और हमें दूसरी चीज ये बताया कि सेट एसोसिएटिव कैशे है। तो सेट एसोसिएटिव कैशे में हमें पता है कि जो एड्रेस है वो तीन पार्ट में हम इंटरप्रेट करते हैं, जो भी सीपीयू एड्रेस सेंड करेगा कैशे उसको तीन पार्ट में इंटरप्रेट करेगा। वो तीन पार्ट क्या है, टैग, सेट एंड ऑफसेट। तो ये तीन पार्ट में इंटरप्रेट करेगा। और हमें पता है कि जो फिजिकल एड्रेस है वो 40 बिट्स का है, दिया हुआ है। अब कुछ बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें, इसमें कैशे का साइज दिया हुआ है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। कैशे का साइज ने कहा है कि 512 KB है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है कि 8-way सेट एसोसिएटिव कैशे हैं, यानी कि एक सेट में 8 ब्लॉक होंगे। 8-way सेट एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि आपने 8-8 ब्लॉक्स का एक सेट बनाया हुआ है। तो आपको बताना है कि टैग फील्ड कितने बिट का होगा, यानी कि ये वाला फील्ड फाइंड आउट करना है कितने बिट का होगा। ओके, सो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। आपको अभी देखने में लगेगा कि इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इनकम्प्लीट दी हुई है, इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं फिर भी सॉल्व करने की। तो नंबर ऑफ सेट्स निकालने के लिए ये जो सेट वाला फील्ड है ये हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ सेट्स से। अब नंबर ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, सब उसके नंबर ऑफ सेट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालने होंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैशे का साइज डिवाइड बाय ब्लॉक साइज। अब हमें ब्लॉक साइज भी नहीं दिया हुआ है, तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे ब्लॉक साइज को कंसीडर कर लेंगे लेट्स से। और हमेशा याद रखना ब्लॉक साइज जो है वो 2 की पावर में होगा। तो हमने कंसीडर किया लेट्स से 2 की पावर x ब्लॉक साइज है मेरा। तो अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, कैशे का साइज है आपका 512 KB और ब्लॉक का साइज है 2 to the power x। तो इसको आप अगर 2 की पावर में लिखते हो दिस विल बी 2 to the power 19, दैट इज 512 2 to the power 9 एंड KB मीन्स 2 to the power 10। 2 to the power 19 बाई 2 to the power x, दैट इज 2 to the power 19 माइनस x। इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए हैं आपके पास में। अब नंबर ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सेट निकालने के लिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिवाइड बाई कितने वे सेट एसोसिएटिव है, 8। तो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिवाइड बाय के वे। ओके, जितना भी उसका वे है, लेट्स से 8 वे है, तो दैट मींस 2 to the power 19 माइनस x डिवाइड बाय 8। 8 मींस 2 to the power 3। सो अब ये हो जाएगा 2 to the power 19 माइनस x माइनस 3, दिस मींस 2 to the power 16 माइनस x। इतने नंबर ऑफ सेट आ गए हैं आपके पास में, ये क्या आए हैं, नंबर ऑफ सेट्स। ओके, नंबर ऑफ सेट आ गए। अब नंबर ऑफ सेट से आप सेट फील्ड निकाल सकते हो। सेट फील्ड कैसे निकालते हैं, सेट बिट्स। सेट बिट्स सिंपली कैसे निकालते हैं, लॉग बेस टू। जैसे हम नंबर ऑफ ब्लॉक से इंडेक्स फील्ड निकालते हैं, इसी तरह नंबर ऑफ सेट से सेट फील्ड निकालते हैं, लॉग बेस टू नंबर ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ सेट्स हमें पता है कितना है, लॉग बेस टू। ओके, ये थोड़ा बड़ा मेथड है, नॉर्मली सिंपली अगर आप डायरेक्ट कहना चाहते हो डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ सेट कितने, 2 to the power 16 माइनस एक्स। तो सेट की जो बिट्स हुई वो हुई 16 माइनस एक्स, जो भी पावर में लिखा हुआ है वही नंबर ऑफ बिट्स हो जाएंगे। यहाँ भी आप फाइंड आउट करोगे तो ऐसे आएंगी वो 2 to the power 16 माइनस एक्स। तो अब 16 माइनस एक्स लॉग बेस टू 2, तो ये कितना होगा, ये 1 होता है, तो दैट मीन्स 16 माइनस एक्स। तो सेट फील्ड हो गया 16 माइनस एक्स। और हम ऑफसेट फील्ड कैसे निकालते हैं, ऑफसेट फील्ड निकालते हैं ब्लॉक के साइज से। तो ब्लॉक का साइज क्या है, 2 to the power x, दैट मीन्स लॉग बेस टू ब्लॉक साइज क्या होगा आपका, ऑफसेट फील्ड। तो आप नॉर्मल सिंपल कह सकते हो कि x, क्योंकि आप लॉग बेस टू लोगे 2 to the power x का, तो x ही आएगा। तो x बिट्स का आपका ऑफसेट फील्ड हो गया। अब बहुत ही ईजी है निकालना, आपको ये फील्ड भी पता है, आपको ये फील्ड भी पता है, और टोटल फील्ड भी पता है। आपको क्या करना है, सिंपली बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मींस कैसे करेंगे, 40 टोटल है, टोटल में से ये दोनों आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। दैट मींस 16 माइनस एक्स प्लस एक्स कितना होएगा, दिस विल बी 40 माइनस 16, दैट इज 24 बिट्स। तो आपका 24 बिट्स का टैग फील्ड है, 16 माइनस एक्स बिट का सेट फील्ड है, और एक्स है एक्स बिट का ऑफसेट फील्ड है। ओके, सो आंसर है 24।
सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, कंसिडर ए मशीन विद ए बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी ऑफ 2 to the power 32 बाइट्स. तो आपके पास में एक बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है. बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है कि हर एक बाइट को एक यूनिक एड्रेस दिया हुआ है. अगर वर्ड एड्रेसेबल है, वर्ड एड्रेसेबल का मतलब यह है कि हर एक वर्ड को एक एड्रेस दिया हुआ है. एक वर्ड के अंदर एक से ज्यादा बाइट हो सकती है. कि वर्ड का साइज कोई फिक्स नहीं है, वर्ड का साइज वेरी कर सकता है. मे बी 2 बाइट हो, मे बी 1 बाइट ही हो, मे बी 4 बाइट्स हो. तो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी यानी कि हर एक बाइट का एक एड्रेस है. मेन मेमोरी 2 to the power 32 bytes. तो लिख लेते हैं, लेट्स से आपके पास में मेन मेमोरी 2 to the power 32 bytes की. उसके बाद में ब्लॉक साइज दिया हुआ है, डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक साइज ऑफ 32 bytes. ब्लॉक साइज है आपका 32 bytes. उसमें कहा है कि अज्यूम दैट अ डायरेक्ट मैप कैश है. कैश कैसा है? डायरेक्ट मैप कैश है. जैसे आपको पता चलेगा कैश किस टाइप का है, तो आप एकदम से समझ जाओ कि एड्रेस फॉर्मेट क्या होगा. डायरेक्ट मैप कैश है, इसका मतलब क्या है कि एड्रेस फॉर्मेट 3 पार्ट में होगा, टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट. हैविंग 512 कैश लाइन्स, आपको नंबर ऑफ कैश लाइन्स भी दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी दिए हुए हैं. सब कुछ दिया हुआ है, इसमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स है 512. इज यूज्ड विद द मशीन द साइज ऑफ द टैग फील्ड इन बिट्स. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. तो 2 to the power 32 bytes अगर आपका एड्रेस मेमोरी का साइज है, तो एड्रेस कितने बिट का होगा? 32 bits. ओके, मेमोरी के साइज से हम एड्रेस निकालते हैं. नॉर्मल मेन मेमोरी का साइज है 2 to the power 32 bytes. जब इसका लॉग लोगे तो 32 बिट्स का एड्रेस आ जाएगा. इसका मतलब क्या है कि जो आपका फिजिकल एड्रेस है वो 32 बिट्स का है और वो 3 पार्ट्स में है. क्योंकि कैशे क्या है? डायरेक्ट मैप कैशे है. तो इसलिए एड्रेस होगा टैग, इंडेक्स एंड ऑफसेट. अब हमें पता है कि ऑफसेट फील्ड हम निकालते हैं ब्लॉक साइज से. ब्लॉक साइज क्या है? 32 bytes. इसका मतलब क्या है? 2 to the power 5. तो 5 bit का क्या हुआ? ऑफसेट. डायरेक्ट आप इस तरह देख सकते हो उसको, जो आपका ब्लॉक साइज है उसको पावर में लिखो और जो पावर है वही यहाँ पे बिट्स हो गई, वही एड्रेस हो गया. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हुआ है. इंडेक्स कहाँ से निकालते हैं? इंडेक्स निकालते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स से. इसको आप लिख सकते हो कि 2 to the power 9. दैट मीन्स 9 bits का आपका इंडेक्स हो गया. अब बचा कितना? जो बचा उसका आपका टैग है. तो 32 - 9 + 5, दैट इज 32 - 14, दैट मीन्स 18 bits. 18 bits का आपका क्या है? टैग. सो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इनमें से कौन सा ट्रू है? रॉम इज ए रीड राइट मेमोरी. ये फॉल्स है क्योंकि रीड क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ना कि राइट. राइट मेमोरी नहीं है, रीड ओनली मेमोरी है. PC points to the last instruction that was executed. This is false. Actually, program counter अगले instruction को point करता है जो execute होने वाला है, ना कि पिछले. ये कह रहा है कि पिछले instruction को point करता है. C कह रहा है कि stack works on the principle of last in first out. This is true. Stack ऐसे ही काम करता है. Stack कैसे काम करता है? ये आपके पास में stack है, let's say, और ये stack के frame से. तो जब आपको कुछ पुश करना होता है, आप कैसे पुश करते हो? पहले आप वैल्यू यहाँ पुश करोगे, फिर यहाँ पे पुश करोगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ. तो ये पुश ऑपरेशन. जब इसको पॉप करोगे तो पुश भी हमेशा टॉप पे ही होगा और पॉप भी यहीं से होगा. तो जब पॉप करोगे तो जब सबसे लास्ट में एलिमेंट आया है वो पहले पॉप होगा. तो इसलिए कहते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो लास्ट में आया वो पहले आउट होगा, क्योंकि पॉप भी यहीं से हो रहा है, पुश भी यहीं पे हो रहा है. तो इसलिए कह रहे हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है. ऑल इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द फ्लैग, दिस इज फॉल्स. सारे इंस्ट्रक्शन फ्लैग को अफेक्ट नहीं करते हैं. फ्लैग्स का मतलब क्या है कि आपके पास में बहुत सारे फ्लैग्स हैं जो सीपीयू के साथ में लगे हुए हैं, जैसे कि कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैराइटी फ्लैग. एक्चुअल में सिर्फ एरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ही फ्लैग को अफेक्ट करते हैं, बाकी इनके अलावा कोई फ्लैग को अफेक्ट नहीं करता है. तो ये कह रहा है कि ऑल इंस्ट्रक्शंस, एक्चुअल में ऑल इंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ 2 तरह के इंस्ट्रक्शन इसको अफेक्ट करते हैं, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल. तो सी आंसर इस क्वेश्चन का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मेमोरी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. इनमें से कौन सी एक मेमोरी नहीं है? इंस्ट्रक्शन कैसे मेमोरी होती है? रजिस्टर्स भी मेमोरी होती है. ट्रांसलेशन लुकअस एट बफर, दैट इज TLB, ये भी एक मेमोरी होती है जो हम पेज टेबल को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए. ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा TLB के बारे में. लेकिन जो ये सी फील्ड है ये कोई मेमोरी नहीं है, ये तो एक्चुअल में पार्ट है इंस्ट्रक्शन का. इंस्ट्रक्शन ऑप कोड का मतलब क्या है? एक जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, ऑप कोड एंड ऑपरेंड. तो ये कोई मेमोरी नहीं है, एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है ऑप कोड फील्ड. सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन 11-bit कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 11-bit का है, यानी कि आपका इंस्ट्रक्शन 11-bit का है. द साइज ऑफ द एड्रेस फील्ड इज 4 bits. द कंप्यूटर यूजेस एक्सपेंडिंग ऑप कोड टेक्निक.
इसकी एक्सपेंडिंग ऑपकोड टेक्निक क्या है इसको भी हम देखेंगे, एंड हैज 5 to 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस एंड 30 to 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, द नंबर ऑफ 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस इट कैन सपोर्ट इज व्हाट। तो ये 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 एड्रेस का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज है, ये आपका इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, हमेशा याद रखना, आपको पता भी होगा इंस्ट्रक्शन के अंदर दो ही चीजें होती हैं, ऑपकोड एंड ऑपरेंड, ठीक है। अब ये 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 एड्रेस का मतलब क्या है, यहाँ पे जितने ऑपरेंड होंगे उसी के हिसाब से हम कह रहे हैं कि 1 एड्रेस है या 2 एड्रेस है या 3 एड्रेस है। मतलब क्या है, अगर आपके पास में तीन एड्रेस है, लेट से आपका इंस्ट्रक्शन इस तरह से है, एड R1 R2 R3, इसको बोलते हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें तीन एड्रेसेस हैं। इस ऑपरेंड फील्ड को ही हम एड्रेस पार्ट भी बोलते हैं किसी इंस्ट्रक्शन का। एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पार्ट ऑपकोड, जो ऑपरेंड फील्ड है, दो पार्ट, एक इंस्ट्रक्शन के अंदर दो पार्ट है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऑपकोड पार्ट ये बताएगा कि इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ऑपरेंड फील्ड ये बताएगा कि इंस्ट्रक्शन डेटा क्या है, किस डेटा पे परफॉर्म करेगा, और डेटा हमेशा किसी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होगा, या तो रजिस्टर के अंदर या फिर मेमोरी के अंदर। तो इसीलिए इसको एड्रेस फील्ड भी बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फील्ड या फिर इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड फील्ड, इनको कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तीन एड्रेसेस हैं, 1, 2, 3, इसलिए इसको बोल रहे हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अगर आपका इंस्ट्रक्शन ऐसे है, एड R1 R2, इसका मतलब यह है कि ये 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। अगर आपका इंस्ट्रक्शन ऐसे है, एड R1, इसका मतलब क्या है कि 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑपरेंड है। और आपका इंस्ट्रक्शन अगर ऐसे है, पुश या फिर पॉप लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 11 बिट का कंप्यूटर है, यानी कि इंस्ट्रक्शन कितना है, ये कह रहा है कि 11 बिट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो 11 बिट का है, 11 बिट का टोटल इंस्ट्रक्शन है आपका। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, ऑपकोड फील्ड एंड ऑपरेंड फील्ड। तो ये कह रहा है कि द साइज ऑफ द एड्रेस फील्ड इज 4 बिट्स, साइज जो आपका एड्रेस फील्ड है ये 4 बिट का है। ओके, तो लेट्स से ये आपका एड्रेस फील्ड है जो कि 4 बिट का है। अब ये डिपेंड करेगा कितने एड्रेसेस होंगे, वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रक्शन किस तरह का है। अब इसने कहा कि टेक्निक हैज 5 to 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इसके पास में पहले से ही टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, वो 5 है, 5 एड्रेस इंस्ट्रक्शन पहले से ही है। अगर मैं 2 एड्रेस इससे फॉर्म करता हूँ, 11 बिट से 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्म करता हूँ, तो कैसे करूँगा, क्योंकि दो फील्ड होंगे, दो एड्रेस होंगे। अगर 2 एड्रेस की बात करूँ तो दो फील्ड होंगे, ओके, दो एड्रेसेस होंगे। अब दो एड्रेसेस में 4+4 8 बिट्स चले गए, यानी कि 3 बिट्स किसके लिए बचे, ऑपकोड के लिए, ठीक है। ये है ऑपकोड, ये है ऑपरेंड 1, ये है ऑपरेंड 2। अब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन फाइंड आउट करते हैं इस ऑपकोड वाले फील्ड से। आपके पास में 3 बिट है, 3 बिट से आप कितने इंस्ट्रक्शन बना सकते हो, 3 बिट से आप 8 इंस्ट्रक्शन बना सकते हो। कैसे, 000 एक इंस्ट्रक्शन हो गया, लेट्स से इसको हमने बोल दिया ऐड, 001 एक अलग इंस्ट्रक्शन हो गया, लेट्स से इसको बोल दिया सबट्रैक्ट। तो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग बाइनरी इनकोडिंग हो गई, 011100 लाइक दिस, 101110111। अब ये कह रहा है कि 5 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन पहले से यूज हो चुके हैं, यानी कि लेट से इसमें से जो पांच कॉम्बिनेशन है, ये 8 कॉम्बिनेशन बने टोटल, इनमें से 5 कॉम्बिनेशन पहले ही यूज हो चुके हैं। ये है मल्टीप्लाई, ये है डिवाइड, लेट से ये कुछ जंप, तो इस तरह से ये सब यूज हो चुके हैं। अब सिर्फ आपके पास में 3 कॉम्बिनेशन फ्री है, यहाँ से 3 कॉम्बिनेशन बचे हैं। अब ये कह रहा है कि 32 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन पहले से यूज हो चुके हैं, 32 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज हो चुके हैं। अब मुझे बताओ कि ये इसमें से हम कितने, अब अगर हम एक्सपेंडिंग ऑपकोड टेक्निक यूज करें, एक्सपेंडिंग ऑपकोड का मतलब क्या है कि ऑपकोड से जो कॉम्बिनेशन बचे हैं उनसे आप और जो अलग अगले इंस्ट्रक्शन से जो 1 एड्रेस के इंस्ट्रक्शन से वो बना सकते हो, यानी कि 3 कॉम्बिनेशन जो है वो मैं यूज कर सकता हूँ 1 एड्रेस के इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। अगर 1 एड्रेस की बात करें तो 1 एड्रेस में कितने इंस्ट्रक्शन होंगे, तो 1 एड्रेस में मुझे कितनी बिट्स चाहिए, एक ऑपकोड फील्ड एक होगा, जो ऑपरेंड फील्ड होगा वो एक ही होगा, यानी कि 4 बिट चाहिए ऑपरेंड के लिए। अब यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन यहाँ से बचे थे और 4 बिट यहाँ से आई, ओके, यहाँ से 3 कॉम्बिनेशन बचे हुए और 4 बिट्स मेरी यहाँ पर है, जो ऑपकोड वाली फील्ड थी जो पहले मैंने ऑपरेंड के लिए यूज़ की हुई थी बिट्स, अब वो मैं इनको ऑपकोड के लिए यूज़ कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही एड्रेस चाहिए मुझे, ठीक है, एक ही एड्रेस चाहिए, तो अगली जो 4 बिट्स हैं वो मैं यूज़ कर सकता हूँ इंस्ट्रक्शन को फॉर्म करने के लिए। अब 4 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 to the power 4, और 3 आपके पास में कॉम्बिनेशन यहाँ बचे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 3 into 2 to the power 4, क्योंकि 101 के साथ में
टू टू द पावर 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके साथ में 2 टू पावर 16 बनेंगे, इसके साथ में 2 टू पावर 16 बनेंगे, तो कितने हो गए 3 इंटू 2 टू पावर 4 यानी कि 16 इंटू 3, तो 48 टोटल आपके पास में वन एड्रेस है, वन एड्रेस सेक्शन टोटल बन सकते हैं। अब 48 में से 32 आप पहले ही यूज कर चुके हो, ओके 48 में से 32 हम पहले ही यूज कर चुके हैं, तो लेट्स सी अब आपके पास में जीरो एड्रेस सेक्शन कितने बचेंगे। तो जीरो एड्रेस आपके पास में बनेंगे लाइक दिस, क्योंकि 48 में से 32 पहले ही यूज हो चुके हैं, यानी कि आप कितने कॉम्बिनेशन बचे, 16 कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं अभी यहाँ पे। अब जीरो एड्रेस है तो इसका मतलब क्या है कि एक भी एड्रेस नहीं चाहिए आपको, तो बाकी जो जो ऑप कोड की 4 बिट थी वो 4 बिट आप यूज कर सकते हो ऑप कोड बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेंड की 4 बिट आपने वन एड्रेस में यूज की थी वो यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जीरो एड्रेस है, जीरो एड्रेस में कोई ऑपरेंड नहीं होता है। तो 16 कॉम्बिनेशन यहाँ से बचे हुए थे और 4 बिट के साथ में 16 कॉम्बिनेशन यहाँ से बचेंगे बनेंगे 2 टू पावर 4 यानी कि 16 इंटू 16, या फिर आप बोल सकते हो 2 टू पावर 4 इंटू 2 टू पावर 4 दैट इज 2 टू पावर 8, या फिर बोल सकते हो आप 256। तो जीरो एड्रेस 256 इंस्ट्रक्शन बनेंगे आपके पास में, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग ऑफ कोड टेक्निक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मशीन हैज 32 बिट आर्किटेक्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 32 बिट आर्किटेक्चर। ओके दिस इज गिविंग सम इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज दैट इफ यू हैव अ 32 बिट आर्किटेक्चर, अगर आपके पास में 32 बिट आर्किटेक्चर, इसका मतलब ये कि इंस्ट्रक्शन जो है वो 32 बिट का होगा, वर्ड साइज भी 32 बिट का होगा, आपकी डेटा बस 32 बिट की होगी और रजिस्टर के जो साइज होंगे वो भी 32 बिट के होंगे, विद ए वन वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन। ओके एक वर्ड का इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि 32 बिट का आर्किटेक्चर है और जो वर्ड साइज है वो कितना होगा 32 बिट होगा, और वन वर्ड का इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि 32 बिट का इंस्ट्रक्शन है। इट हैज 64 रजिस्टर्स ईच ऑफ विच 32 बिट लॉन्ग, ओके हमारे पास में 64 रजिस्टर्स है और हर एक रजिस्टर का साइज 32 बिट है। इट नीड्स टू सपोर्ट 45 इंस्ट्रक्शंस विच हैव एन इमीडिएट ऑपरेंड इन एडिशन टू टू रजिस्टर ऑपरेंड्स, तो आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से है, ओके इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसने कहा है कि इस इंस्ट्रक्शन में एक तो इमीडिएट ऑपरेंड है, ओके एन इमीडिएट ऑपरेंड एंड टू रजिस्टर्स हैं, तो इस जो आपका इंस्ट्रक्शन हुआ, इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपकोड तो होता ही होता है, उसके अलावा तीन चीजें और हैं, एक तो इमीडिएट ऑपरेंड है, उसके बाद में इमीडिएट ऑपरेंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट होगा, ओके इमीडिएट वैल्यू, जब हम कहते हैं इमीडिएट इसका मतलब क्या है कि हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट होगा, दो रजिस्टर्स हैं, तो ये आपके इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो है 32 बिट्स, वन वर्ड का इंस्ट्रक्शन है, इसने कहा है कि जो आपका इंस्ट्रक्शन है वन वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन है और वन वर्ड का मतलब क्या है कि 32 बिट्स, क्योंकि आर्किटेक्चर 32 बिट है, 32 बिट आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि जो वर्ड का साइज होगा इस कंप्यूटर में वो 32 बिट होगा यानी कि 4 बाइट्स होगा। तो अब हमें निकालना है अज्यूमिंग दैट द इमीडिएट ऑपरेंड इज एन अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इमीडिएट ऑपरेंड इज व्हाट, तो इस इमीडिएट ऑपरेंड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें ये निकालना होगा कि कितने बिट का है ये इमीडिएट ऑपरेंड, कितने बिट का है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हर एक का अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना जो ऑपकोड फील्ड निकालेंगे, ऑपकोड फील्ड निकालते हैं हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से इसका लॉग बेस टू लेने के बाद, ओके जैसे अगर आपके पास में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने 45 है, ओके तो ऑपकोड के अंदर जो बिट्स होगी वो होगी लॉग बेस टू 45, दैट मीन्स अराउंड 6। अगर आप 5 लेते हो तो सिर्फ 32 इंस्ट्रक्शन बना सकते हो, लेकिन 6 लेते हो तो 64 इंस्ट्रक्शन बना सकते हो। तो ये फील्ड हुआ आपका 6 बिट्स का, ऑपकोड वाला फील्ड जो हुआ वो हुआ 6 बिट्स का। ऑपकोड वाला फील्ड निकालते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, और इसके पास में 45 इंस्ट्रक्शन हैं। अब R1 और R2 फील्ड कैसे निकालेंगे, R1 फील्ड जो है वो नंबर ऑफ रजिस्टर से फाइंड आउट करेंगे, तो रजिस्टर बिट्स जो हैं वो हम निकालेंगे, तो रजिस्टर का जो एड्रेस होगा, रजिस्टर का एड्रेस हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ रजिस्टर से, और नंबर ऑफ रजिस्टर है आपके पास में 64, ओके लॉग लेने के बाद में आपके पास में रजिस्टर बिट्स आ जाएगी। जैसे आपके पास में मेमोरी का साइज है, मेमोरी के साइज से आप क्या निकालते हो, मेमोरी के साइज से मेमोरी एड्रेस निकालते हो, इसी तरह नंबर ऑफ रजिस्टर से रजिस्टर का एड्रेस निकालते हो, तो नंबर ऑफ रजिस्टर है 64, दैट मीन्स रजिस्टर बिट्स जो होगी वो 6 बिट्स होगी,
ओके, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर 64 है, तो इट्स मीन 2 to the power 6, 6 बिट का रजिस्टर का एड्रेस हो गया। तो 6 बिट यहाँ और 6 बिट यहाँ, क्योंकि दो रजिस्टर ऑपरेंड्स हैं। तो 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18, 18 आपके वॉच में, आपके पास में टोटल कितनी बिट्स बची? यहाँ पे बची 14 बिट्स। क्यों? 6 प्लस 6 18, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18 एंड 32 माइनस 18 जो बची वो यहाँ पे है 40 बिट्स। यानी कि जो आपका इमीडिएट ऑपरेंड है वो 14 बिट्स का है। तो 14 बिट से आप कितनी वैल्यूज बना सकते हो? 14 बिट से जो पहली वैल्यू होगी आपकी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 00। ओके, जब सबके सब जीरो है, सारी की सारी बिट्स 14 बिट्स जीरो है, तो ये है आपके जीरो। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब सबके सब वन है, लाइक दिस। ओके, जब सबके सब वन होंगे, ये वैल्यू कितनी होगी? 2 to the power 14। 2 to the power 14 मीन्स 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 10, और यू कैन से 16 इंटू 1024। ओके, सो ये वैल्यू आएगी कुछ लाइक 16384, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो 2 to the power 14 आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 16384, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो ये पूछ रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमीडिएट ऑपरेंड, इमीडिएट ऑपरेंड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ बिट्स कितनी है इस इमीडिएट ऑपरेंड में। नंबर ऑफ बिट्स कितनी कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन सब की सेपरेट बिट्स फाइंड आउट करके टोटल में से माइनस कर देंगे। तो 14 बिट का अगर ऑपरेंड है तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। ऐसे ही है जैसे इंटीजर है, इंटीजर अगर आपका 32 बिट्स का है तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2 to the power 32 minus 1। ओके, अगर आपका इंटीजर 4 बिट का है तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 15, 0 से लेके 15 तक वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट रेलिवेंट एड्रेसिंग मोड टू राइट राइट इन पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड। पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड का मतलब क्या है? पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड का मतलब ये है कि ऐसा कोड जो कि पोजिशन से इंडिपेंडेंट है। पोजिशन का मतलब क्या है यहाँ पे? पोजिशन का मतलब है एड्रेस, कि आप मेमोरी में रन टाइम पे से कहीं से भी कहीं उठा के रख पाओ। मतलब क्या है कि आपका जो एड्रेस है वो ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर एड्रेस से बाइंड है, किसी पर्टिकुलर एड्रेस से बाइंड ना हो। लेट्स से अगर आपका कोई प्रोग्राम है और उसके तीन इंस्ट्रक्शन है I1, I2, I3, और उसका बेस एड्रेस है 2000, और ये तीन एड्रेस इसने यूज़ किए हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि ये इस पे ही बाइंडेड है, कि डिपेंडेंट है, कि यहीं पे रहेगा, कहीं और जा ना सके। अगर आप पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड की बात करते हो तो आप इस कोड को कहीं भी उठा के रख सकते हो। ओके, लेट्स से आपको इस कोड को उठा के रखना है यहाँ पे, तो आपको सिंपली क्या करना होगा? इसकी बेस एड्रेस की वैल्यू चेंज करनी होगी। ओके, तो आप यहाँ बेस एड्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बेस एड्रेस की वैल्यू हो जाएगी लेट्स से 3000। अब पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो वो तभी कर सकते हैं अगर वो आपका जो कोड है वो पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड है। ओके, पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड करने के, पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो बेस वैल्यू है ये आपकी चेंज करनी पड़ेगी, बेस वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये हम किस में कर सकते हैं? ये हम सिर्फ एक एड्रेस में कर सकते हैं, वो है पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में हम क्या करते हैं कि हम एड्रेस चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल JMP XPC। तो इसमें क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज हो सकती है, आप जंप कर सकते हो डायरेक्टली इस एड्रेस पे। एक्स क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है, आपको कितनी दूर जंप करना है। लेट से मुझे मेरा जो ये कोड था जो इसमें तीन इंस्ट्रक्शन थे, मुझे इसको जंप कराना था यहाँ पे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसका प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंटू प्लस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ तक लाने के लिए। ओके, तो इन दो को ऐड करूँगा, एक्स प्लस पीसी, ये मेरा इफेक्टिव एड्रेस होगा, और मैं जंप कर जाऊँगा इस वैल्यू पे, लेट से आएगा 3000। तो इन दो को ऐड करके 3000 आया जहाँ पे मैं जंप कर गया। तो पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड लिखने के लिए रिलेटिव अमाउंट ज़रूरी है। Which of the following addressing modes permits relocation without any change whatsoever in the code? बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले देखा। रिलोकेशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी कोड को रिलोकेट कर सकते हो तो किस एड्रेसिंग मोड के थ्रू कर सकते हो? आपको कोड को क्या करना है? रिलोकेट करना है, यानी कि कुछ पोजिशंस हैं, लेट से कोड आपका मेमोरी के कुछ पोजिशंस पे हैं, ये आपका मेमोरी प्रोग्राम है जिसमें तीन इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इन लोकेशंस पे स्टोर्ड हैं, तीन लोकेशंस पे। अब आपको इसको जंप कराना है, इस कोड को कहीं और उठा के रखना है, इस पूरे कोड को मेमोरी के इस पार्ट से उठा के यहाँ पे रखना है इस पार्ट में, तो आप किस एड्रेसिंग मोड के थ्रू कर सकते हो? रिलोकेट करना है, इस कोड को रिलोकेट करना है, पहले यहाँ पे था, अब इस कोड को यहाँ से उठा के यहाँ पे जंप कराना है, इसको रिलोकेट यहाँ करना है। तो ये आप सिंपली एक ही रजिस्टर कोड एड्रेसिंग मोड के थ्रू कर सकते हो, वह है पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, जैसे मैंने अभी बताया।
ये कह रहा है कि अ सर्टेन प्रोसेसर सपोर्ट्स ओनली द इमीडिएट एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. आपके पास में दो ही एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर्स कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस प्रोसेसर. इनमें से कौन कौन से प्रोग्रामिंग फीचर्स आप नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ फीचर्स हैं, और जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज में बना रहे हो वही आप मशीन लेवल पे इंप्लीमेंट कर, ऐसा हो कि आप उसे मशीन लेवल पे भी इंप्लीमेंट कर पाओ. यानी कि आपके इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में ऐसे इंस्ट्रक्शंस हो जो इन हाई लेवल मशीन इंस्ट्रक्शन के को उनको इंप्लीमेंट कर पाए. तो अगर आपके पास में दो ही तरह के एड्रेसिंग मोड है आपके ISA के अंदर, तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हो. पॉइंटर के लिए हमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड चाहिए होता है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली मेमोरी का एक्सेस करते हो. पॉइंटर्स में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली मेमोरी का एक्सेस करते हैं, तो इसके लिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कर सकते. एरे के लिए भी आपको क्या चाहिए, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड चाहिए. आपको बेस वैल्यू चाहिए, यानी कि बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड चाहिए. एरेज के लिए बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड चाहिए, जो आपके पास में अवेलेबल नहीं, यानी कि एरे भी नहीं कर सकते हो. रिकॉर्ड्स भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स के लिए भी आपको पॉइंटर्स चाहिए होता है स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में. रिकर्सिव प्रोसीजर्स विद लोकल वेरिएबल्स ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिकर्सिव प्रोसीजर्स में आपको करंट करना होता है. आप किसी प्रोसीजर पर जाओगे, ठीक है, लेट से एफ है, एफ के अंदर आपने F1 कॉल किया, तो आपको वापस आने के लिए कुछ एड्रेस चाहिए होगा, वो पिस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, सो इसमें भी नहीं हो सकता. तो ABCD चारों आपके आंसर हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन गेट 1999 का है, तो इसमें सारे कई सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं. ABCD चारों ही सही है. इन दी एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, एब्सोल्यूट का मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी होता है. ओके, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को ही हम एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी बोलते हैं. द ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन, नो, एक्चुअली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. जब भी आपका ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन के अंदर है तो वह है इनडायरेक्ट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन, ये सही है. अगर डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. अगर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, ऑपरेंड का एड्रेस अगर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दिया हुआ है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. द रजिस्टर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन, ये डेफिनेशन है किसकी, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की. रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड इज इम्प्लिसिट. अगर इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपका ऑपरेंड दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड. इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में आपको कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ होगा. एक्चुअल में जो ऑपरेंड का एड्रेस होगा वो इंस्ट्रक्शन के, वो ऑपकोड के अंदर ही होगा. कैसे, लेट्स से आपने कहा ADC, तो एक इंस्ट्रक्शन है ADC, तो ये इंस्ट्रक्शन के अंदर ही ऑपकोड का एड्रेस है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ब्लॉक सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 128 ब्लॉक. हमारे पास में एक ब्लॉक सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी है जिसमें 128 ब्लॉक्स हैं, डिवाइडेड इनटू फोर ब्लॉक सेट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर ब्लॉक सेट्स. इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कैश है वो फोर वे सेट एसोसिएटिव कैश है. ओके, तो ये कह रहा है कि द मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 16,384 ब्लॉक्स एंड ईच ब्लॉक कंटेंस 256 8 बिट वर्ड्स. तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एड्रेसिंग द मेन मेमोरी, पहला क्वेश्चन. अब मेन मेमोरी, अब जो एड्रेस है मेन मेमोरी का एड्रेस, वो हम निकालते हैं मेन मेमोरी के साइज से. मेन मेमोरी का साइज क्या है, मेन मेमोरी का साइज दिया हुआ है आपको 16,384 ब्लॉक्स. आपको एक्चुअली पहले ही बाइट्स में निकालना होगा. अब बाइट्स में कैसे निकालूंगा, पहले मुझे वन ब्लॉक की वैल्यू चाहिए. क्या होगी, वन ब्लॉक है 256 8 बिट वर्ड्स, यानी क्या है, आपके पास में 256 8 बिट वर्ड्स हैं, यानी कि 256 वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड का साइज 8 बिट्स है. 8 बिट का मतलब क्या है, 1 बाइट, यानी कि 1 बाइट का एक वर्ड है, या कह सकते हो कि हर एक ब्लॉक 256 बाइट्स का है. तो आपकी जो मेन मेमोरी का साइज हुआ वो हुआ 16,384, और ब्लॉक्स को हमने कन्वर्ट किया बाइट्स में, तो हो गया 256 बाइट्स. तो इतना आपका मेमोरी का साइज है. इसको आप बोल सकते हो दिस इज 2 to the power 14 एंड दिस इज 2 to the power 8, दिस मीन्स 2 to the power 22 बाइट्स मेमोरी का साइज है. अब मेमोरी का एड्रेस निकालना है. मेन मेमोरी का एड्रेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेन मेमोरी के साइज से.
तो 2 to the power 22 बाइट्स मेमोरी के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए एड्रेस करने के लिए? इतनी बिट्स चाहिए होगी, दैट मीन्स 22 बिट्स। तो मेमोरी का जो एड्रेस है वह है 22 बिट्स का। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट द टैग सेट एंड वर्ड फील्ड। अब हमें बताया कि जो एड्रेस है वो 22 बिट्स का है, एक चीज हमें पता चल गई है। और जो सेट स्टेटिव कैश है, सेट स्टेटिव कैश में जो आपका एड्रेस है वो तीन फील्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, टैग, सेट एंड ऑफसेट। जो सेट फील्ड है वो हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ सेट से। अब आपको पता है कि अब ब्लॉक सेट स्टेटिव कैश मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 128 ब्लॉक्स, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स दिए हुए हैं आपको, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं 128। अब नंबर ऑफ सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ सेट हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिवाइड बाय कितने वे हैं, 4 वे हैं तो 32 सेट्स हो गए। नंबर ऑफ सेट हो गया आपके पास में 32। दिस मीन्स दैट जो सेट फील्ड है, सेट फील्ड के लिए कितनी बिट्स चाहिए आपको? लॉग बेस 2 32, दैट मीन्स 5 बिट्स। तो सेट वाला जो फील्ड हो गया वो हो गया आपका 5 बिट्स का। जो ऑफसेट वाला फील्ड है वो फाइंड आउट करते हैं ब्लॉक के साइज से, और ब्लॉक का साइज दिया हुआ है, ब्लॉक साइज इज 1 ब्लॉक इज 256 बाइट्स। 256 बाइट्स मीन्स अगर आपको ऑफसेट फील्ड निकालना है, ऑफसेट फील्ड आप निकालोगे इसका लॉग लेने के बाद में, यानी कि लॉग बेस 2 256 इक्वल टू 8, तो 8 बिट्स का आपका ऑफसेट फील्ड हो गया। ऑफसेट फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं ब्लॉक के साइज से लॉग लेने के बाद, तो ये 8 बिट का हो गया। अब बचा आपका टैग फील्ड, 8 + 5 = 13 एंड 22 - 13 = 9। ओके, तो 9 बिट का टैग है, 5 बिट का सेट एंड 8 बिट का ऑफसेट। सो टैग फील्ड इज ऑफ 9 बिट्स, सेट फील्ड इज ऑफ 5 बिट्स, वर्ड फील्ड और ऑफसेट फील्ड बोथ आर द सेम थिंग, ये दोनों सेम चीज है, वर्ड फील्ड या फिर ऑफसेट फील्ड। तो 9 5 8 बिट्स। अगला क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ लोकैलिटी जस्टिफाइज द यूज ऑफ कैश मेमोरी। ओके, तो कैश मेमोरी जो हमने बनाई है, कैश मेमोरी को हमने एक ही प्रिंसिपल पे बनाया था, वो प्रिंसिपल था लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए हमने एक चीज ऑब्जर्व की, वो चीज़ ये थी कि बहुत सारा डेटा ऐसा था जो हम बार बार मेमोरी से एक्सेस कर रहे थे। ओके, कुछ डेटा ऐसा था जो बहुत ही मोस्ट रिसेंटली हम उसको यूज़ कर रहे थे। तो हमने क्या किया, एक ऐसा हमने सोचा कि ऐसी मेमोरी बनाई जाए जिस जो फास्ट मेमोरी हो और छोटी मेमोरी हो, जिसके अंदर हम वो डेटा रख सके जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हो रहा है। जैसे अगर आप फोर लूप की बात करें, फोर लूप के अंदर जो लूप वेरिएबल होगा, जैसे आई है, वो हर एक आइटरेशन के बाद में इंक्रीमेंट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, उस वेरिएबल को हर बार मेमोरी से उठाने की बजाय आप कैश मेमोरी के अंदर रख सकते हो, तो टोटल जो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम होगा वो घट जाएगा। इसलिए हमने कैश मेमोरी यूज़ की थी, ठीक है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की वजह से। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस दो तरह का है, स्पेशल लोकेलिटी एंड टेम्पोरल लोकेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज ए 4K वर्ड कैश ऑर्गेनाइज्ड इन ब्लॉक सेट असोसिएटिव मैनर विद 4 ब्लॉक्स पर सेट, 64 वर्ड्स पर ब्लॉक, द नंबर ऑफ बिट्स इन द सेट एंड वर्ड फील्ड ऑफ द मेमोरी एड्रेस फॉर्मेट इज व्हाट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपके पास में कैश मेमोरी का साइज है 4K वर्ड्स। ओके, मेमोरी का साइज 4K वर्ड्स दिया हुआ है, यानी कि वर्ड्स की फॉर्म में दिया हुआ है, और जो कैश है आपका ब्लॉक सेट असोसिएटिव कैश है। ओके, और हर एक सेट के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स पर सेट, तो क्या हुआ ये 4-way सेट असोसिएटिव कैश है। ओके, तो आपके पास में नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ब्लॉक्स नहीं दिए हुए एक्चुअली में, ब्लॉक का साइज दिया हुआ है, और ब्लॉक का साइज दिया हुआ है आपके पास में, यह है 64 वर्ड्स पर ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक का साइज है 64 वर्ड्स। तो आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड आउट करते हो, कैश साइज डिवाइड बाय ब्लॉक साइज। तो कैश साइज है 4K वर्ड्स एंड ब्लॉक साइज है 64 वर्ड्स। दिस मीन्स ये इसको बोल सकते हो आप 2 to the power 12, इसको बोल सकते हो 2 to the power 6। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हुए 2 to the power 6। ओके, नंबर ऑफ ब्लॉक्स है आपके पास में 2 to the power 6। अब आपके पास में ब्लॉक का साइज भी है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी है, आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ सेट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिवाइड बाय के वे। ओके,
नंबर ऑफ ब्लॉक्स है 2 टू द पावर 6 और ये है 4 वे, इस मीन्स 4, तो 2 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4, इतने नंबर ऑफ सेट्स है आपके पास में। अब एड्रेस फॉर्मेट क्या होता है सेट स्टडी कैश में, टैग सेट ऑफसेट, ऑफसेट हम फाइंड आउट करते हैं ब्लॉक साइज से, सेट फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ सेट से, नंबर ऑफ सेट है 2 टू द पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ सेट बिट्स कितनी हुई 4 बिट्स, जब आप इसका ब्लॉक इसका लॉग लोगे तो 4 बिट्स आ जाएगी। ऑफसेट निकालते हैं ब्लॉक साइज से, ब्लॉक साइज है 64 बर्ड्स, तो इससे आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ऑफसेट जो होगा वो 6 बिट्स का होगा। टोटल कितना है ओके अब हमें टैग फील्ड नहीं पता और ना ही हमें पता है कि पूरा एड्रेस कितने बिट का है और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है ओके ना तो हमें पता है कि पूरा एड्रेस कितने बिट का है तो इसलिए हम टैग फील्ड भी नहीं निकाल सकते, तो वो सब की हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ 2 चीज़ पूछी गई है, द नंबर ऑफ बिट्स इन सेट एंड वर्ड, सेट में कितनी है 4 बिट्स, वर्ड में कितनी है 6 बिट्स, तो आंसर क्या है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर देन वन वर्ड आर पुट इन वन कैश ब्लॉक टू व्हाई, हम एक ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा वर्ड क्यों रखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, अब सीपीयू अगर कोई भी वर्ड एक्सेस करता है, कोई भी वर्ड डिमांड करता है, लेट्स से कोई वर्ड एक्सेस करना है तो ये पहले कैश के पास जाएगा ओके तो अगर कैश में वो वर्ड मिल गया तो ठीक, इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा सीपीयू और कैश मेमोरी के बीच में वो वर्ड्स की फॉर्म में होगा, और अगर नहीं मिला तो आप क्या करते हो, ये आपकी मेन मेमोरी है, अगर जो वर्ड आप सर्च कर रहे हो अगर वो कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिला तो आप क्या करते हो मेन मेमोरी एक्सेस करते हो। अब मेन मेमोरी और कैश के बीच में जो डेटा ट्रांसफर की यूनिट होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ब्लॉक्स की फॉर्म में होगी और एक ब्लॉक में हम एक से ज़्यादा वर्ड रखते हैं, वन ब्लॉक इक्वल्स टू सम वर्ड्स लेट्स से एक्स वर्ड्स, तो हमने क्या किया हुआ है कई सारे वर्ड को मिला के एक ब्लॉक बनाया हुआ है इस तरह से, ये वर्ड नंबर 0 1 2 3 इस तरह से ये ब्लॉक नंबर 0, तो आप क्या करते हो एक्चुअल में सीपीयू को एक वर्ड चाहिए था कोई ओके लेट्स से सीपीयू को वर्ड नंबर 0 चाहिए था, इसके अंदर अगर मिस हुआ तो आप यहाँ से उठाओगे, तो आप यहाँ से जब ट्रांसफर करोगे तो डायरेक्ट ये वर्ड सीपीयू को ट्रांसफर नहीं करोगे, यहाँ से इस वर्ड के साथ में जो उसके आसपास के वर्ड्स हैं वो भी सीपीयू वो भी कैश को ट्रांसफर करोगे, डायरेक्ट सीपीयू को ट्रांसफर नहीं करोगे, पूरा का पूरा ब्लॉक कैश को ट्रांसफर कर दोगे, फिर कैश उसमें से एक वर्ड ट्रांसफर करेगी मेन मेमोरी सीपीयू को जो भी वर्ड उसको चाहिए था। तो हम एक से ज़्यादा वर्ड एक ब्लॉक के अंदर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि क्योंकि हमने कैश को जो डिज़ाइन किया है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे, इसका मतलब क्या है कि हम ये मानते हैं कि अगर वर्ड नंबर 0 एक्सेस हुआ है अभी तो बहुत चांसेस है कि वर्ड नंबर 1 और वर्ड 2 वर्ड 3 भी एक्सेस होगा जल्दी ही, इसलिए हमने क्या करा पहले ही इन सारे के सारे वर्ड्स को कैश के अंदर रख लिया, तो अगली बार जब सीपीयू डिमांड करेगा वर्ड नंबर 1 तो उसको मेमोरी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो कैश से ही उसको एक्सेस कर लेगा। तो इसको बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, और इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोकेलिटी। लोकेलिटी दो तरह की होती है जिसने मैंने अभी बताया, टेम्पोरल लोकेलिटी एंड स्पेशल लोकेलिटी। जब आप बात करते हो टाइम की तो हम बोलते हैं टेम्पोरल लोकेलिटी। टाइम का मतलब क्या है, टाइम का मतलब ये कि अगर सीपीयू ने अभी अभी वर्ड नंबर 0 एक्सेस किया है तो चांसेस बहुत है कि वो थोड़ी देर बाद भी वर्ड नंबर 0 को एक्सेस करेगा, ठीक है, सेम वर्ड को थोड़े टाइम बाद सेम वर्ड को ही। स्पेशल लोकेलिटी का मतलब ये कि अगर सीपीयू ने अभी अभी वर्ड नंबर 0 एक्सेस किया है तो चांसेस बहुत हाई है कि अभी फ्यूचर में वो वर्ड नंबर उसके आसपास के वर्ड्स को भी एक्सेस करेगा, ओके। टेम्पोरल में हम उसी वर्ड की बात कर रहे हैं, स्पेशल में उसके आसपास के वर्ड्स जो हैं, तो इसलिए इसका आंसर है स्पेशल लोकेलिटी, ठीक है। मोर देन वन वर्ड आर पुट इन कैश ब्लॉक टू एक्सप्लोइट द स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इन ए प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है आपका, अ सीपीयू हैज 32-bit मेमोरी एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस है 32-bit एंड 256 KB कैश मेमोरी, द कैश इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए 4-way सेटिव कैश विद कैश ब्लॉक साइज ऑफ 16 bytes। तो आपके पास में एक सीपीयू है जिसमें मेमोरी का एड्रेस है, मेमोरी का एड्रेस है आपका 32 bits एड्रेस, ओके, और कैश का साइज जो है वो दिया हुआ है आपको 256 KB, और ये कैश है आपका 4-way सेटिव कैश है, इसका मतलब क्या है कि हर एक सेट में 4 ब्लॉक होंगे विद कैश ब्लॉक साइज ऑफ 16 bytes, कैश ब्लॉक साइज दिया हुआ है आपके पास में 16 bytes। आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेट्स इन द कैश, तो हम सिंपली पहले क्या कर सकते हैं एड्रेस फॉर्मेट फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे ही बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे।
तो एकदम से एड्रेस फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। मेमोरी एड्रेस है 32 बिट्स का, और क्योंकि सेट शेड्यू कैसे है तो एड्रेस आपका इंटरप्रेट होगा 3 फील्ड में, टैग, सेट एंड ऑफसेट। ऑफसेट फील्ड कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? ब्लॉक साइज से। ब्लॉक साइज है 16 बिट्स 16 बाइट्स। इसका मतलब क्या है? जो ऑफसेट होगा 16 बाइट का आप ले सकते हो 2 टू पावर 4, यानी कि ऑफसेट हुआ आपका 4 बिट्स का। सेट कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ सेट से। नंबर ऑफ सेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ ब्लॉक से। तो आप पहले क्या फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ ब्लॉक्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं ब्लॉक कैसे साइज डिवाइड बाय ब्लॉक साइज, दैट मीन्स 256 KB डिवाइड बाय 16 बाइट्स। ये हो गया आपका 2 टू पावर 18, 2 टू पावर 8 एंड 2 टू पावर 10, और ये हो गया 2 टू पावर 4, दैट मीन्स 2 टू पावर 14। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इतने हुए। अब आपको फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ सेट्स। तो नंबर ऑफ सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिवाइड बाई वे, क्या है? 4 वे, यानी कि 2 टू पावर 2। सो 2 टू पावर 12 आपके पास में नंबर ऑफ सेट्स हुए। नंबर ऑफ सेट से आप फाइंड आउट कर सकते हो सेट बिट्स। सेट बिट्स हुई 12। अब जो बची वह है टैग बिट्स, 12 प्लस 4 16, एंड रिमेनिंग आर 16 बिट्स आर फॉर टैग। तो पहला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सेट्स इन द कैश। नंबर ऑफ सेट्स है 2 टू पावर 12, या फिर आप बोल सकते हो 4096। व्हाट इज द साइज इन बिट्स ऑफ द टैग फील्ड? टैग फील्ड का साइज है 16 बिट्स। आप इस डायग्राम से ही बहुत सारे आंसर कर सकते हो, पहले ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द नंबर एंड साइज ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड फॉर टैग मैचिंग? क्योंकि ये 4-way सेटिव कैसे है, इसलिए क्या होगा, अब इसमें नंबर ऑफ कंपैरेटर्स कैसे होंगे? अगर आपका डायरेक्ट मैप कैसे है तो डायरेक्ट मैप कैश में क्या होगा, जो इंडेक्स वाली बिट्स होगी आपको कैश के ब्लॉक के पास ले जाएगी, कि पर्टिकुलर ब्लॉक के पास में। उस ब्लॉक पे पहुंचने के बाद में आप उसके कंपेयर करोगे टैग से, जो टैग सीपीयू ने जनरेट किया है और जो उस ब्लॉक के साथ में टैग लिया लगा हुआ है, उन दो को मैच करोगे। अगर मैच हो गया तो हिट है, नहीं तो मिस है। तो हिट या मिस आप टैग के थ्रू करते हो, टैग कंपेरेटर्स के थ्रू। तो नंबर ऑफ कंपेरेटर्स अगर आप बात करो, हर एक तरह के कैश में अलग अलग है। नंबर ऑफ कंपेरेटर्स की अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट मैप में सिर्फ 1 कंपेरेटर होगा, डायरेक्ट मैप कैशे में ओनली 1 कंपेरेटर फिक्स है, ठीक है? इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखें। डायरेक्ट मैप में सिर्फ 1 कंपेरेटर। सेट स्टेटिव कैश में डिपेंड करेगा वे पे, अगर पी वे है तो पी कंपेरेटर चाहिए होंगे, मतलब अगर 4-way सेट स्टेटिव कैश है तो 4 कंपेरेटर चाहिए आपको, 4 कंपेरेटर इन दिस केस। कंपेरेटर का साइज क्या होगा, कितने बिट कंपेयर करनी है आपको? हम कंपेयर करते हैं कंपेरेटर से टैग, जो सीपीयू ने टैग जनरेट किया है और जो ब्लॉक के साथ में टैग लगा हुआ है। टैग साइज है 16 बिट्स। इसका मतलब क्या है कि आपको 4 कंपेरेटर चाहिए और हर एक कंपेरेटर 16 बिट का होगा। इसमें क्या होगा, 4 कंपेरेटर्स एंड हर कंपेरेटर 16 बिट का, ओके? और अगर बात करूँ एसोसिएटिव कैशे की, तो एसोसिएटिव कैशे में नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कंपेरेटर चाहिए होते हैं, क्योंकि हर एक ब्लॉक के साथ में एक कंपेरेटर लगा होगा एसोसिएटिव कैशे में। सेट एसोसिएटिव कैशे में नंबर ऑफ जितना आपका वे है, सेट अगर 4-way सेट एसोसिएटिव कैशे है तो 4 कंपेरेटर चाहिए, 8-way है तो 8, 16-way है तो 16, क्योंकि हर एक सेट में 4 कंपेरेटर लगे होंगे, ओके? क्योंकि हर ब्लॉक के साथ में एक कंपेरेटर होगा। एसोसिएटिव कैशे में नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कंपेरेटर चाहिए होंगे। अब ये डी पूछ रहा है कि हाउ मेनी एड्रेस बिट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द बाइट ऑफसेट विद इन ए कैश ब्लॉक। ये पूछ रहा है बाइट ऑफसेट के लिए कितनी बिट चाहिए। बाइट ऑफसेट के लिए 4 बिट्स चाहिए, ओके? जैसे हमने अभी फाइंड आउट किया है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर द टैग बिट्स? अब ये टैग बिट्स के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी कितनी चाहिए होगी? अब मैंने बताया कि हर एक ब्लॉक के साथ में एक टैग लगा हुआ होगा, ये बहुत जरूरी याद रखना, ओके? क्या हर एक ब्लॉक के साथ में एक टैग है, तो जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू नंबर ऑफ टैग्स होंगे। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं मेरे पास में? नंबर ऑफ ब्लॉक्स है 2 टू पावर 14, 2 टू पावर 14 ब्लॉक्स है, और हर एक ब्लॉक का टैग कितने बिट का है? 16 बिट का। हम क्या करते हैं एक्चुअल में, एक टैग मेमोरी होगी, उस मेमोरी के अंदर सारे के सारे टैग स्टोर रखते हैं, और मैंने बताया कि हर एक ब्लॉक के साथ में एक टैग लगता है, तो जितने ब्लॉक्स हैं उतने टैग आपको स्टोर करने पड़ेंगे। 2 टू पावर 14 ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक के साथ में 16 बिट का टैग लगा हुआ है। उस टैग मेमोरी के थ्रू हम पता लगाते हैं कि कोई ब्लॉक कैश मेमोरी के अंदर है या नहीं है, वहाँ पे कंपैरिजंस होते हैं। तो 2 टू पावर 14 इंटू 2 टू पावर
4 ओके या फिर 2 टू पावर 18 बिट्स, या फिर बोल सकते हो डिवाइड बाय 2 टू पावर 3 यानी कि डिवाइड बाय 8 इसको बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो 2 टू पावर 15 बाइट्स, या फिर बोल सकते हो 2 टू पावर 5 केबी या फिर 32 केबी, इतनी टैग मेमोरी चाहिए होती है। ये बाइट्स में पूछ रहा है तो बाइट्स में आप बताओगे 2 टू पावर 15। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए स्मॉल टू वे एसोसिएटिव कैश मेमोरी कंसिस्टिंग ऑफ 4 ब्लॉक्स। आपके पास में एक मेमोरी है एसोसिएटिव मेमोरी, तो मेमोरी कुछ ऐसे हैं, टू वे एसोसिएटिव कैश है, दो सेट्स हैं ओके क्योंकि 4 ब्लॉक्स हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 4, और हर एक ब्लॉक में सेट कितने हैं, हर एक सेट में कितने ब्लॉक्स हैं 2, नंबर ऑफ सेट्स कितने हुए 4/2 दैट इज 2, क्योंकि टू वे है, हर एक सेट में 2 ब्लॉक होंगे। फॉर चूजिंग द ब्लॉक टू बी रिप्लेस्ड यूज लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम, हम रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं LRU। तो द नंबर ऑफ कैश मिसेस फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक एड्रेसेस, इसके लिए कैश मिसेस बताने हैं आपको। तो सेट एसोसिएटिव कैश आपकी इस तरह से होगी, यह है ब्लॉक नंबर 0 और यह है ब्लॉक नंबर 1, सेट नंबर 0 का ब्लॉक नंबर 0, सेट नंबर 0 का ब्लॉक नंबर 1 और यह है सेट नंबर 1 यानी कि सेट नंबर 1 का ब्लॉक नंबर 0, सेट नंबर 1 का ब्लॉक नंबर 1 ये है। अब आपको डालने हैं 8 12 0 12 8। अब कैसे फाइंड आउट करते हो इस केस में, क्योंकि अगर सेट एसोसिएटिव कैश है, याद रखना आपको डायरेक्ट मैप कैश में रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सेट एसोसिएटिव में एंड एसोसिएटिव कैश में रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है। क्यों? आप मेमोरी का ब्लॉक नंबर दिए हुए हैं आपको, ठीक है, ये मेमोरी के ब्लॉक नंबर्स दिए हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कैश के ब्लॉक नंबर, तो आप कैश के ब्लॉक नंबर फाइंड आउट करते हो, मेमोरी का ब्लॉक नंबर एंड मोड नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स है 2, तो पहला जो 8 है 8 जाएगा 8 मोड 2 यानी कि 0 में, ठीक है, मोड मींस रिमाइंडर, 8 को 2 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा उसको बोलते हैं मोड। तो जो ब्लॉक नंबर, जो मेमोरी का ब्लॉक नंबर 8 है वो कैश के सेट नंबर 0 में जाएगा। अब सेट नंबर 0 में कौन से ब्लॉक में जाएगा, दो ब्लॉक्स हैं तो जो भी फ्री है उसमें डाल सकते हैं, यानी कि 8 आएगा यहाँ पे और ये मिस है, जो भी पहली बार एक्सेस होगा वो मिस होगा। अब आया 12, 12 कहाँ जाएगा, 12 मोड 2 यानी कि 0 में जाएगा। अब 0 में कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये पहले से ही बिजी, ये पहले से ही फुल है। अब आया 0, ये भी मिस है, 0 कहाँ जाएगा, 0 भी इसी में जाएगा क्योंकि 0 मोड 2 0 ही होता है। तो हम इसमें से किसको रिप्लेस करेंगे, अब रिप्लेस करने के लिए हमारे पास में सेट, क्योंकि ये 0 जो है वो सेट नंबर 0 में जाएगा और सेट नंबर 0 पहले से ही फुल है, तो अगर पहले से ही फुल है तो आप यूज़ करोगे रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इनमें से एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है LRU, मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो 12 तो अभी अभी यूज हुआ है, जो पहले बहुत पहले यूज हुआ था यानी कि लीस्ट रिसेंटली यूज वो 8 है, 8 को रिप्लेस कर देंगे 0 से और 0 भी एक मिस है। अब आया 12, अब 12 कहाँ जाएगा, 12 जाएगा आपका ब्लॉक नंबर 0 में, 0 में आपने देखा 12 पहले से ही है तो ये हुआ हिट। अब 8 आया, 8 को कहाँ रखेंगे, 8 मोड 2 है 0, तो 8 यहाँ पे आएगा क्योंकि 12 अब 8 इनमें से किसी एक को रिप्लेस करेगा, क्योंकि 12 अभी अभी यूज हुआ है और 0 लीस्ट रिसेंटली यूज है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 8 से और 8 भी एक मिस होगा। तो आपके पास में नंबर ऑफ मिस हुए 1 2 3 4 और एक हिट है, 5 में से एक हिट होगा और 4 मिस होंगे, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर अ फुल्ली एसोसिएटिव कैश विथ 8 कैश ब्लॉक्स। आपके पास में एक फुल्ली एसोसिएटिव कैश है जिसमें 8 ब्लॉक्स हैं एंड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ मेमोरी ब्लैक ब्लॉक रिक्वेस्ट। तो मेमोरी के ये ब्लॉक्स हम एक्सेस कर रहे हैं और आपके पास में जो कैश है वो एसोसिएटिव कैश है ओके, ना तो डायरेक्ट मैप है ना सेट एसोसिएटिव, बल्कि एसोसिएटिव कैश है, इसमें 7 ब्लॉक्स, 8 ब्लॉक्स हैं 0 से लेकर 7 तक, लाइक दिस। ओके, यह है ब्लॉक नंबर 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 0 से 7 तक 8 ब्लॉक्स हैं। अब आपके पास में एक्सेस हो रहे हैं, तो एसोसिएटिव कैश में क्या करते हैं, फुल्ली एसोसिएटिव कैश में हम कोई
पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ भी हमें स्पेस फ्री मिलेगा पहले हम वहीं पे डाल देंगे। तो फोर यहाँ पे आ गया मिस, थ्री यहाँ पे आया मिस, जो भी पहले एक्सेस होगा वो मिस होगा क्योंकि आप मेमोरी एक्सेस कर रहे हो फोर, और फोर कैश मेमोरी के अंदर नहीं है, तो आप इसको लेके आओगे मेन मेमोरी से कैश मेमोरी के अंदर, ऐसे एक्सेस होगा आपका। 25 पहली बार आ रहा है तो वो भी मिस होगा, 8 पहली बार आ रहा है तो वो भी मिस होगा, 19 मिस होगा, 6 भी मिस होगा क्योंकि पहली बार आ रहा है, 25 पहले से ही है इसलिए ये मिस नहीं होगा क्योंकि 25 यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है, 8 भी मिस नहीं होगा क्योंकि हिट है, पहली बार नहीं आ रहा है, कैश मेमोरी के अंदर पहले से ही अवेलेबल है, जो भी कैश मेमोरी के अंदर पहले से ही अवेलेबल है वो हिट होगा, 16 पहली बार आ रहा है तो ये मिस होगा, 35 पहली बार है दैट इज मिस। अब कैश मेमोरी फुल हो गई है, अब जो भी नया ब्लॉक आएगा वो इनमें से किसी एक को रिप्लेस करेगा, इनमें से किसको रिप्लेस करेगा वो डिसाइड करेगी एल आर यू एल्गोरिथम। अब 45 आया, 45 पहली बार आ रहा है तो पहली बार तो मिस ही है, अब 45 को डालना कहाँ है, 45 डालेंगे लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम के थ्रू, यानी कि एल आर यू एल्गोरिथम के थ्रू। तो आपको बस यहाँ देखना है कि इनमें से इस लाइन में कौन कौन यूज हुए हैं, तो हमें पता है कि 16 को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि अभी अभी यूज हुआ है, 35 भी अभी भी यूज हुआ है, उसके बाद में 8 अभी यूज हुआ है, 25 भी अभी यूज हुआ है, और 6 भी अभी यूज हुआ है। तो आप सबसे पहले कौन आया था, 4 आया था, तो आप किसको रिप्लेस करोगे, 4 को, तो एल आर यू जो है वो 4 है, आप इस लाइन में देख सकते हो सिंपली नॉर्मली। ओके, तो जो भी सबसे लास्ट में है इनमें से इस लाइन में जो सबसे लास्ट में है उससे रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे 4 सबसे लास्ट में है इस लाइन में इसलिए 4 से रिप्लेस कर दिया। अब आया आपका 22, 22 पहली बार आ रहा है तो मिस ही है, अब किससे रिप्लेस करेंगे इस लाइन में देखेंगे, इस लाइन में 3 जो है वो सबसे लास्ट में है, दैट मीन्स 22 को 3 से रिप्लेस कर देंगे। 8 आया, 8 पहले से ही मेमोरी के अंदर है तो ये मिस नहीं होगा, हिट है। 3 आया, 3 कैश मेमोरी के अंदर नहीं है तो ये भी मिस होगा। ओके, 3 मिस हुआ, 3 को डालना किसी जहाँ पे है, अब इनमें से देखना है कि सबसे लास्ट में कौन है, इनमें से सबसे लास्ट में अभी 45 भी अभी है, 8 अभी है, 22, 45, 35 नहीं है। ओके, 16 अभी अभी यूज हुआ है, 8 भी अभी यूज हुआ है, 25 यूज हुआ है, 6, 19, ओके, सबसे लास्ट में 19 है। ओके, 25 अभी अभी यूज हुआ था इसलिए हम 25 को नहीं रिप्लेस कर सकते, सबसे लास्ट में 19 है, 19 के बाद में भी एक्चुअली 8 और 25 है लेकिन 8 एंड 25 अभी अभी यूज हुए हैं, 8 एंड 25, तो इसलिए इनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो 19 जो है वो एक ही बार तक यूज हुआ है, यानी कि लीस्ट रिसेंटली यूज 19 है, तो 19 से रिप्लेस कर देंगे 3 को। अब आया 16, 16 पहले से ही कैश मेमोरी के अंदर है तो ये हिट है, 25 पहले से ही कैश मेमोरी के अंदर है इसलिए ये भी हिट है, 7 अब मेमोरी के अंदर नहीं है यानी कि मिस हुआ, तो 7 को रिप्लेस करेंगे जो सबसे लास्ट में है इनमें से, सबसे लास्ट में इनमें से है 16, 16 अभी यूज हुआ है, 16 को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, 3 को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, 25 को नहीं कर सकते हैं, 8 को भी नहीं कर सकते हैं और 22 को भी नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स 45 या फिर 35, 45 से पहले हैं 35, इस मीन्स 35 को हम रिप्लेस कर देंगे 7 से। तो नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि विच कैश ब्लॉक विल हैव मेमोरी ब्लॉक 7, तो मेमोरी ब्लॉक 7 नंबर जो है वो कैश के कौन से ब्लॉक में होगा, 7 में। ओके, कैश के ब्लॉक नंबर 7 में मेमोरी का ब्लॉक नंबर 7 पड़ा हुआ है, उसी के बारे में ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कैश कौन से कैश ब्लॉक में मेमोरी का ब्लॉक मेमोरी ब्लॉक 7 पड़ा हुआ होगा, वो 7 में पड़ा हुआ है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज फास्टर देन ए हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, फैसिलिटेट्स इजीली इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंस्ट्रक्शन। माइक्रो प्रोग्राम में इज यूजुअली व्हेन वेरी स्मॉल प्रोग्राम आर टू बी रन यूजुअली रेफर्स टू कंट्रोल यूनिट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर, तो ऑब्वियसली ये फास्टर तो नहीं है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट से, क्योंकि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट को हम इंप्लीमेंट करते हैं हार्डवेयर के थ्रू, तो अगर कोई चीज़ हार्डवेयर के थ्रू इंप्लीमेंट हो रही है तो वो ज़्यादा फास्ट काम करेगी इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में एक छोटा सा सर्किट होगा, उस सर्किट के थ्रू हम कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के थ्रू कई सारे वर्ड्स रीड करने पड़ेंगे कंट्रोल मेमोरी से, उसके बाद में आप कंट्रोल सिग्नल जनरेट करोगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फास्टर तो नहीं, एक्चुअली में स्लोअर है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट से। बी कह रहा है कि फैसिलिटेट्स इजी इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंस्ट्रक्शन, ओके, इज यूजफुल व्हेन वेरी स्मॉल प्रोग्राम्स आर टू बी रन इज यूजुअली रेफर्स टू कंट्रोल यूनिट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर। ओके, कंट्रोल यूनिट तो है ही है, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन और सही हो सकता है। एक्चुअल में इसमें अगर आप कोई नया इंस्ट्रक्शन ऐड कर रहे हो तो आपको नॉर्मली क्या करना है कि रोम रीड ओनली मेमोरी को, जो आपकी जहाँ पे आपकी कंट्रोल मेमोरी है,
जहाँ पे सारे के सारे कंट्रोल सिग्नल स्टोर्ड हैं, बस वहाँ पे कुछ नए कंट्रोल सिग्नल ऐड करने पड़ेंगे अगर आपको नया इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट करना है। लेकिन हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के थ्रू अगर आपको नया इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट करना है तो पूरा का पूरा सर्किट चेंज करना पड़ेगा, पूरा का पूरा हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हार्डवेयर के थ्रू आप इसमें कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहे हो। तो इस इन कंपेरिजन टू हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में अगर आप नया इंस्ट्रक्शन ऐड कर रहे हो अपने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर, तो आप इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो क्योंकि उसके कंट्रोल सिग्नल इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो बी राइट आंसर है।